सेवानिवृत्त आईएएस चंद्र प्रकाश ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रेस की स्वतंत्रता का हो रहे हनन लगाई जा रही है, पाबंदियां पर चिंता व्यक्त करते हुए मीडिया के लोगों से प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखने के बारे में विचार जाने और अपनी अभिव्यक्ति भी दी। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता कैसे बरकरार रहे और आम जनमानस की बात जिम्मेदारों तक कैसे पहुंचाने में मीडिया सफल हो सके, इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो उनके सार्वभौमिक अधिकार हैं, उनका हनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक जर्नलिस्ट का प्रमोशन का मकसद है, वहां लगता है कि पैसों के लिए नहीं, क्योंकि पत्रकार जान की बाजी लगाकर भी समाज के सामने सच्चाई को लाने का प्रयास करता है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आज के इस विचार गोष्ठी में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, विचार गोष्ठी है, और विचार गोष्ठी में सभी के विचार इम्पोर्टेंट होते हैं। एक दूसरे के विचारों से हम लोग फायदा उठाते हैं और अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। तो बेसिक उद्देश्य आज ये था कि आप लोगों के साथ बैठ करके हम लोग कुछ विचार करें और मेरा भी नॉलेज बढ़े और आप भी एक दूसरे के विचारों से शेयर करके कुछ अपना भी नॉलेज बैंक बढ़ाएं, ये उद्देश्य था आज का। आज का जो टॉपिक था ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में आपको फंडामेंटल राइट्स विचार भाषण की स्वतंत्रता दिया गया है, उसके ऊपर हम लोग परिचर्चा करेंगे और किस तरह से एक सशक्त सिविल सोसाइटी जिसमें प्रबुद्ध वर्ग होता है, वो किस तरह से सिविल सोसाइटी को और मजबूत करे। हर समाज में सिविल सोसाइटी होती है जो किसी भी पार्टी लाइन से उठ करके अपना मंतव्य रखती है और देश हित में रखती है, जनता के हित में रखती है। हमारा जो एक बैकग्राउंड बता दूं कि जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है कि राज्य बना क्यों, राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई थी बना कि एक कल्याण हो सभी का, जितने लोग उसमें रहने वाले सभी का कल्याण हो, सभी लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, इसलिए राज्य क्या कंसेप्ट है, राज्य बनाया गया। और हमारा जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसमें कि ये था कि जितने रहने वाले हैं वो सर्वोच्च होंगे, जनता सबसे ऊपर है और जनता के हिसाब से ही सरकारें बनेंगी और जो सरकारें बनेंगी वो जनता का हित ध्यान में रख कर के ही काम करेंगी। एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए हर किसी देश में एक संविधान होता है, इसमें कुछ नियम कानून दिए जाते हैं कि जो भी सरकारें आएंगी वो किस तरह से काम करेंगी और किस तरह से जनता का ख्याल रखेंगी। शुरुआत करेंगे कि जो हमारी विचार भाषण की स्वतंत्रता है और जर्नलिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एक तबका है जो कि अपने निर्भीकता से विचारों को रखता है और सही सही रखता है। और आपने देखा होगा कि जो युद्ध भूमि होती है, जैसे यूक्रेन के युद्ध है, अभी इसराइल गाजा का युद्ध चल रहा है, तो जर्नलिस्ट अपने जान की बाजी लगाकर भी उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे गोले गिर रहे हैं, जहाँ पे हर समय मारे जाने का खतरा है। तो इससे साबित होता है कि जर्नलिस्ट का प्रोफेशन पैसे के लिए नहीं, तनख्वाह के लिए नहीं, उससे ऊपर कुछ हटके है जो कि कमिटमेंट है एक सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाने का और अपना जज्बा दिखाने का उसमें। तो आप लोगों का प्रोफेशन बहुत ही बड़ा है क्योंकि कोई भी तनख्वाह के लिए जितने तनख्वाह पाते हैं वो इस तरह का रिस्क लाइफ का नहीं उठाते हैं और उठा भी नहीं सकते हैं, इसलिए आपका जो होदा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही तारीफ़ काबिल है और जो उसका उद्देश्य है कि सच्चाई को दुनिया के सामने सही सही रखना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है और बहुत बड़ी चीज़। इसी पर हम आपके विचार भी जानना चाहेंगे कि इसको और कैसे सशक्त किया जाए, जो आपके स्वतंत्र विचारों को रखने की जो व्यवस्था बनाई गई है, वैसे तो हर एक आदमी के लिए व्यवस्था है कि अपने विचारों को रख सकता है, विचार भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, तो किस तरह से और इसको सशक्त बनाया जाए, आपका आपकी स्वतंत्रता कैसे बरकरार रहे और आम नागरिक के लिए भी किस तरह से इसको रिस्टोर किया जाए और इसमें समृद्धि लाई जाए, इसके संबंध में आज हम लोग बैठे हैं विचार गोष्ठी। तो हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों में